दोस्तों आज 9 मई 2021 है और आप जानते हैं कि अपने देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के बाइक और स्कूटर उनके घर में खड़े हैं और बहुत से लोगों की बाइक और स्कूटर चल रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेहतरीन अच्छी टिप्स देने वाला हूं, जिससे जिन लोगों के बाइक और स्कूटर घर में खड़े हैं वो कैसे अपनी बाइक और स्कूटर को सुरक्षित रख पाएं, और जिन लोगों के चल रहे हैं वो अगर सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं तो वो कैसे उसकी सुरक्षा करें जिससे उनकी आगे चलकर खराब ना हो। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही जबरदस्त टिप्स देने वाला जो कि आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आएगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो टिप्स मैं आपको वो देना चाहूंगा जिन लोगों की बाइक और स्कूटर घर में खड़े हैं। अब जिन लोगों के बाइक और स्कूटर घर में खड़े हैं दोस्तों, उनको सबसे पहले बचाने की क्या जरूरत है ये आप जान लें। उनको सबसे पहले बचाने की जरूरत है अपनी बाइक और स्कूटर की वायरिंग को और बैटरी को। अब वायरिंग को आप कैसे बचाएंगे ये आप जान लें। अगर आपकी बाइक और स्कूटर घर के कोने में खड़े हैं, आप उसकी देखभाल भी नहीं करते हैं, तो हो सकता है चूहे जाकर उसकी वायरिंग काट दें। अब अगर सस्ती बाइक है तो हो सकता है वायरिंग कम में आए, लेकिन महंगी बाइक है तो आपको 1,000-2,000-3,000 रुपए का चूना अच्छी तरीके से लग सकता है। तो ऐसे में आप उसको ऐसे बचाएंगे कि आप परचून की दुकान से, जनरल स्टोर से कुनैन की गोलियां लाकर कपड़े में बांधकर उसके टैंक के नीचे, वाइजर के पास, पीछे सीट में, सीट के नीचे रख देंगे, जिससे उसकी गंध से चूहे नहीं आएंगे। फिर उससे आपकी बाइक की वायरिंग बची रहेगी और आपकी बाइक एकदम झक्कास बनी रहेगी। दूसरी टिप्स की बात है कि जब उनकी बाइक नहीं चल रही है, जिन लोगों की बाइक और स्कूटर घर में खड़े हैं, तो उनकी बैटरी खराब हो जाएगी। दोस्तों ऐसा बहुत से लोग कहेंगे, जबकि महीने, दो महीने का, महीने भर का अगर लॉकडाउन रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको ये करना है कि हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के साथ ऐसा नहीं कि आप बंद कर दें, क्योंकि बैटरी तो चार्ज नहीं हो पाएगी, इसलिए आप उसको लगभग 2,000-3,000 आरपीएम पर हल्का सा एक्सेलरेट करके रखेंगे तो आपकी बाइक की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। मतलब फुल चार्ज तो नहीं हो जाएगी लेकिन खराब नहीं होगी, ये इससे आपकी बाइक की बैटरी बची रहेगी। तो ये तो उन लोगों को ध्यान रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं चलेगी तो मेरी जैसे पहिए जाम हो जाएंगे, बैरिंग खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे भाई, एक महीने में इतनी सस्ती ग्रीस कंपनी लगाकर नहीं देती है कि आपकी बैरिंग वेरिंग खराब हो जाएगी। आपकी बैरिंग जब कोई दिक्कत होगी बाद में, तो वो आप 100 रुपए की बैरिंग आती है उससे, मैं आपको पहले बता दूं कि एक महीने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बैटरी और वायरिंग अपनी बाइक की बचानी है, बाकी जैसे ढक के रखेंगे, धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी और जो है उसको बिल्लियां जाकर उसकी सीट नहीं फाड़ेंगी, तो ये सारी सुरक्षा तो आपको करना ही है, इतना तो सारी चीजें आप जानते हैं। अब दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये आता है, जिनकी कुछ कुछ चल रही है और वो सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, तो उनको टेंशन हो रही है कि अगर उनकी बाइक ज्यादा चल जाएगी तो आगे चलकर उनकी बाइक का इंजन खुल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कुछ जगह पर तो बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन है जहां पर कोई दुकानें नहीं खुल रही हैं। कुछ जैसे जो सरकारी सेवाएं देने वाले हैं, जो चलते हैं मेडिकल लाइन वाले, तो उनकी बाइक अगर नहीं सर्विस हो पा रही है, तो मान लीजिए लॉकडाउन से पहले आपने सर्विस कराई थी और लॉकडाउन में आपकी बाइक लगभग 1,000-1,500 किलोमीटर चल गई है, और मान लीजिए 2,000 चल गई है, 2,500 चल गई है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें, आपकी बाइक 1,000 से 2,000 किलोमीटर ज्यादा भी चल जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप कोई आपको बताए नहीं आपकी बाइक खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कोई बताए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से, बाइक पॉइंट के हिसाब से, अगर 1,000-1,500 किलोमीटर फालतू चल जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करवाते थे, एक आध बार हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा टिप्स, अब मान लीजिए आपकी बाइक हल्का हल्का धुआं देती है, आयल वो उठाती है, उसका आयल जल्दी खत्म हो जाता है, तो आप इस समय लॉकडाउन में ज्यादा तेज ना चलाएं, क्योंकि जितना ज्यादा तेज आप चलाएंगे उतना ज्यादा आपकी बाइक या स्कूटर का आयल खत्म होगा और वो हो जाएगा सीज, आपका हो जाएगा इंजन खत्म। तो इसलिए अगर आयल उठा रहा है तो आप हल्के धीमे चलाएं, और अगर हो सके आपको जुगाड़ से मिल जा रहा है तो आप उसमें इंजन आयल ऊपर से ही डाल दें, लेकिन कैसे पहले आप चेक करेंगे तब आप डालेंगे, ऐसा नहीं ऊपर भर के आप 2 लीटर उसमें कर दें। और नहीं तो वैसे एक बात और भी बताना चाहूंगा, जैसे कुछ जगह संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन जैसे अब उत्तर प्रदेश है, यहां पर गांव देहात में लोग खोल देते हैं दुकान, या नहीं भी खोलते हैं, शटर वटर डाउन करके अंदर से इंजन आयल ऑयल दे देते हैं, तो आप चाहे खुद बदल लें चाहे फिर किसी से बदलवा लें, क्योंकि जैसे सर्विस सेंटर बंद है तो बहुत से मैकेनिक भी अपने घर पर होंगे, आप कहेंगे तो लोग बदल देंगे, लेकिन जहां पर ऐसा हो रहा होगा वैसा ही करें, घर से ना निकलें, मास्क
लगाएं, जैसा सरकार कहती है भैया वैसा ही आप पालन करो। मेरे मतलब मुझे तो टिप्स देनी है बाइक और स्कूटर बचाने की, तो जितना हो सके आप पालन करिए। और उसके अलावा अगर आपकी चल रही है तो आप खुद आयल चेंज कर लें या फिर उसमें करवा लें या फिर उसमें ऊपर से डाल लें, बस यही करना है। बाकी आपकी चल रही है तो बैटरी कोई दिक्कत नहीं है और वायरिंग बचाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप बाइक चलाएं। बस इतनी सी मुझे टिप्स आपको देनी थी। इसके अलावा भी जो टिप्स है जैसे कि अगली वीडियो में सर्विस से संबंधित और भी बहुत सी चीजें आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, उनके भी मैं जल्द जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ये आपके अपने भाई का चैनल है मेरे भाई, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ, वीडियो शेयर करो। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।